हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th की DOE की तरफ से जो आपको सपोर्ट मटेरियल की बुक मिलती है ना, तो उसमें ना हमने चैप्टर नंबर 2 का जो ये प्रैक्टिस पेपर होता है, हर चैप्टर के लास्ट में होता है, आपको पता ही है। चैप्टर हम ऑलरेडी इससे कर चुके हैं, पूरा चैप्टर चैनल पे अपलोड है। चैप्टर नंबर 2 का आज मैंने ये प्रैक्टिस टेस्ट पेपर लगा रखा है, इसका सेक्शन ए भी चैनल पर अपलोड है, पूरा सेक्शन हमने कर लिया था। चलिए आज सेक्शन बी करते हैं हम इसका। तो सेक्शन बी में अगेन आपके पास यहाँ पर 3 क्वेश्चंस हैं, फिर सेक्शन सी और सेक्शन डी है, टोटल 4 सेक्शंस हैं जितने भी चैप्टर्स हैं उनके पेपर में, ठीक है। तो सेक्शन बी में देखो, क्वेश्चन 5 है आपके पास यहाँ पर। इफ़ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू बीटा। कह रहे अगर अल्फा बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो है तो इस के की वैल्यू फाइंड करो। अगर अल्फा प्लस बीटा जो है वो किसके बराबर है, हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा के बराबर है। क्वेश्चन क्लियर हो गया, करेंगे कैसे वो यहाँ देखिए। सबसे पहली बात, मैंने अपना ये पॉलिनोमियल यहाँ पर लिख लिया है एक बारी, ठीक है, जिसमें अगर मैं ए देखूँ तो वो मेरे पास 1 है, और अगर मैं बी देखूँ तो वो है माइनस के प्लस का 6, और अगर हम सी की बात करें तो वो है 2 ब्रैकेट में 2k माइनस का 1, ठीक है। अब मैंने पहले अल्फा प्लस बीटा जो मुझे कंडीशन दे रखी थी ना, उसी को ही यहाँ लिखा, यहाँ लिखते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ अल्फा इंटू बीटा है, ये दे रखा है। अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा होता है हमारे पास सी अपॉन ए। बी की जगह पर मैंने क्या किया, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट कर दी, माइनस के प्लस 6 था, ए की जगह 1 पुट किया, हाफ ऐसे ही है, सी की जगह पर मैंने सी की वैल्यू पुट की और ए की जगह पर 1 पुट किया, क्लियर है। अब देखो, इस 2 से ये 2 कट गया, इस माइनस से ये माइनस कट गया, यहाँ पर बचा के प्लस 6 और यहाँ पर बचा 2k माइनस का 1, ठीक है। अब 1 को इधर ले आई तो प्लस का हो गया, और k को उधर ले गई तो माइनस का हो गया। तो सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 7, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वन ऑफ हूज जीरोज इज 3 + √2 एंड द सम ऑफ इट जीरोज इज 6। कह रहे एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप बनाओ जिसका एक जीरो आपको दे रखा है और सम ऑफ जीरोज आपको दे रखे हैं। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो सम ऑफ जीरोज जो है वो होता है मेरे पास अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज मुझे 3 + √2 दे रखा है, और एक जीरो 6 दे रखा है। मैंने माना अल्फा दे रखा है 6, तो मैं यहाँ से पहले बीटा फाइंड कर लेती हूँ। तो 3 + √2 माइनस 6 इज इक्वल टू बीटा, तो बीटा कितना आ जाएगा आपके पास, माइनस 3 + √2, ठीक है। या फिर आप इसको ये भी लिख सकते हो, यहाँ पर माइनस को कॉमन ले लो। अच्छा अच्छा यहाँ हमने एक मिस्टेक कर दी, हमें सम ऑफ जीरोस तो 6 दे रखा है ना, ठीक है। तो देखो इसे ऐसे करेंगे, कह रहे सम, मैंने आपको बोला कि जो सम ऑफ जीरोस है ये मुझे क्वेश्चन में कितना गिवन है, ये मुझे गिवन है यहाँ पर सम ऑफ जीरोस गिवन है, एंड द सम ऑफ इट्स जीरोस इज 6, ये 6 गिवन है। और उसके बाद वो कह रहे हैं वन ऑफ हूज जीरोज, मतलब एक अल्फा मुझे गिवन है यहाँ पर 3 + √2, ठीक है। अब अल्फा प्लस बीटा जो है वो मेरे को 6 गिवन है, अल्फा की जगह मैंने अल्फा की वैल्यू पुट कर दी, क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, बीटा निकाल लेते हैं, तो 6 - 3 - √2, तो बीटा आ जाएगा 3 - √2, क्लियर हो गया। यहाँ तक बीटा आ गया। अब आपको क्या करना था, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनता कैसे है, ऊपर आप लिख देना यहाँ पर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस, अब प्लस में होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज आपको क्वेश्चन में 6 गिवन था, तो मैंने डायरेक्ट उसे ही पुट कर दिया। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में अल्फा की जगह मैंने अल्फा की वैल्यू रख दी, और बीटा की जगह मैंने बीटा की वैल्यू रख दी। तो एक्स स्क्वायर माइनस का 6x
इसमें एक आइडेंटिटी लग रही है ए प्लस बी और ए माइनस बी की लग रही है ना, तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कर दिया, तो एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स प्लस, अब देखो यहाँ पर थ्री थ्री जो नाइन हो गया, और यहाँ पर रूट टू का स्क्वायर करोगे तो टू आ जाएगा, नाइन माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस का सिक्स एक्स और प्लस का सेवन, ये आपका क्या बन गया, क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल बन गया जो आपको चाहिए था। क्लियर है? चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन पे। कह रहा है इफ़ जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल, एक पॉलीनोमियल आपको दे रखा है, इसके जीरोज दे रखे हैं अल्फा है और टू अपॉन अल्फा है, तो आपसे कह रहे हैं ए की वैल्यू फाइंड करो। तो आसानी से हो सकती है, अगर मैं अपना पॉलीनोमियल एक बार यहाँ पर लिख लूँ, ये वाले ए की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, तो इसमें ए की वैल्यू यहाँ पर वन है, बी की वैल्यू फोर है और सी की वैल्यू टू है, ठीक है, तो मैंने सीधा सीधा इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लगाया, सी अपॉन ए आया, ठीक है, यहाँ पर टू ए है वैल्यू, तो अल्फा की जगह अल्फा पुट किया, बीटा की जगह बीटा पुट किया, क्योंकि मुझे यहाँ पर जीरोज दे रखे थे, और सी सी की जगह सी की वैल्यू रख दी टू ए, और ए की जगह ए की वैल्यू, देखो ये अल्फा है ध्यान रखना, थोड़ा सा मैंने अलग से बना दिया ऐसे, ये तो कट गया, टू इज इक्वल्स टू में टू ए, तो यहाँ से ए की वैल्यू वन आ गई। सम ऑफ जीरोज हमने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ए जो है वो सी में है, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज से निकल जाएगा, अगर ए जो बी में होता तो हम सम ऑफ जीरोज लगाते, ठीक है। तो आज मैंने आपको ये तीन क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, सेक्शन बी कंप्लीट, सी और डी रह गया, तीन ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्लास में तीनों क्वेश्चन एक साथ कवर कर लेंगे। कहीं भी दिक्कत लगे इन वाले तीन क्वेश्चंस में कमेंट करके पूछ लेना, इस चैप्टर के और इस जो ये और क्वेश्चंस तो अपलोड ही हैं, प्लस इस बुक के और चैप्टर्स भी अपलोड हैं चैनल पे, आप उन्हें भी कर लीजिए, जो भी आपके पास मिड टर्म में आने वाले हैं सारे चैप्टर्स अपलोड हैं। थैंक यू।